नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। फीसदी हिस्से पर इसरो सैटेलाइट्स की एचडी नजर। चेतन कुमार अंतरिक्ष में भारत का डंका बजाने वाला इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो देश के लिए सामरिक दृष्टि से भी बहुत अहम है। इसरो के सैटेलाइट्स पाकिस्तान के 87% हिस्से पर नजर रखते हैं और एचडी क्वालिटी की मैप प्रिंट करते हैं, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे ऑपरेशंस के लिए सशस्त्र बलों के लिए महत्वपूर्ण इनपुट होते हैं। भारतीय सैटेलाइट्स पाकिस्तान के कुल 8.8 लाख वर्ग किलोमीटर के भूभाग में से 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर हिस्से पर नजर रखने में सक्षम हैं और भारतीय कमांडर्स को 0.65 मीटर तक की एचडी तस्वीरें दे रहे हैं। भारत की यह क्षमता दूसरे पड़ोसी देशों के लिए भी है। हमारे सैटेलाइट्स 14 देशों के कुल 55 लाख वर्ग किलोमीटर हिस्से को मैप कर सकते हैं, लेकिन चीन को लेकर जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, एक सूत्र ने कहा। यह कवरेज कटोसेट सैटेलाइट से है, इसरो सेवाएं उपलब्ध कराता है, लेकिन हम इस पर कॉमेंट नहीं कर सकते हैं। 17 जनवरी को अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि भारत पाकिस्तानी घरों में झांक सकता है और यह कोई मजाक नहीं था। उन्होंने कहा था, भारत का इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम भारत को पाकिस्तान के घरों और बरामदों को देखने में सक्षम है। भारतीय एयरफोर्स इसरो से बहुत खुश है। एक एयर मार्शल ने पिछले सप्ताह कहा था, क्या हमें अधिक सैटेलाइट्स की जरूरत है? हाँ, लेकिन हमारी 70% जरूरत पहले से पूरी हो रही है और हम ट्रैक पर हैं। जिन बड़े सैटेलाइट्स ने सुरक्षा बलों की सहायता की है उनमें कार्टोसैट सीरीज के सैटेलाइट्स GSAT-7 और GSAT-7A, IRNSS, माइक्रोसैट, रिसेट और हाइसिस शामिल है। यदि इंडिविजुअल स्पेसक्राफ्ट को भी गिन लें तो 10 से अधिक ऑपरेशनल सैटेलाइट्स सेना के इस्तेमाल में हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले भी बताया था कि कार्टोसैट का पहला बड़ा इस्तेमाल सितंबर 2016 में लोकबार सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किया गया था।